झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। लोकसभाओं की मतगणना जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए 300 के पार चली गई है, जबकि यूपीए में भी 100 के आंकड़े को पार कर लिया है यूपीए ने भी। इधर यूपी में महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। रुझानों में बीजेपी महज 20 सीटों पर आगे चल रही है। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 में से 28 सीटों पर आगे है। जिस एक सीट पर बीजेपी पिछड़ रही है वो है छिंदवाड़ा। और तो कांग्रेस के गढ़ गुना में भी बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव सिंधिया से आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा, यानी 2014 की जो लहर थी मोदी, इस बार लगता है कि मोदी की सुनामी चल रही है और मोदी की सुनामी में सब रह गए हैं। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जो कभी एक दूसरे के साथ नेवला वाली स्थिति थी, दुश्मन थे, वहां उनका ये गणित भी काम नहीं आया। क्या श्रीवास्तव जी, क्या सुनामी है, क्या कहेंगे संक्षेप में? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आंकड़े आ रहे हैं सुनामी से भी बढ़ के है, उसके बाद भी कोई अगर तूफान ही है जी। और जितने दावे किए जा रहे थे जी, और एग्जिट पोल में काफी कुछ क्लियर भी किया बहुत सारे एग्जिट पोल ने जी, तो जो हायर साइड था उस पर उसी रास्ते पर जा रही है पूरी जो है पूरा चुनाव जा रहा है। और मोदी जी निश्चित रूप से, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, मध्य प्रदेश, जिन पट्टी में जहां पर उनकी पिछले बार बढ़त थी वहां उसको मेंटेन करके बल्कि उससे आगे जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से सुनामी है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से शिवाज जी है, बीजेपी नेता है। आपको अभी से बधाई दे दूं शिवाज जी, आपको बधाई दे दूं अभी से कि अभी रुझान पलट भी सकते हैं। आप तो मतगणना हो रही है, यथार्थ बता दीजिए। नहीं, रुझान जो आ रहा है इससे कहीं ज्यादा आंकड़े और पार करेंगे। लगभग 350 का आंकड़ा हमने तय करके रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपकी बधाई को मैं स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। और देश फिर से नए अध्याय की ओर, नए भविष्य की ओर, नए सम्मान की ओर फिर से देश आगे बढ़ चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से सुनामी चल रही, लगता है छत्तीसगढ़ में 11 में से 12 सीटें आप जीत रहे हैं। चलिए, अकील हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। अकील, क्या स्थिति है? जो ऐसा लग रहा था बहुजन समाज पार्टी, सपा, जाति समीकरण के ऊपर राष्ट्रवाद का मुद्दा भारी होता दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहले क्लियर हो गया था कि जो चुनाव हो रहा है, इधर मतदान, वो कहीं ना कहीं जातवाद से हटकर नहीं, राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव हुआ है। बीजेपी को यह भरोसा था कि हम राष्ट्रवाद को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश से होगा। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में थी कि सीटें ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में सीटें जिसकी कम होगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस बार जिस तरह आंकड़े सामने आ रहे हैं, मतदान को जिस तरह काउंटिंग बढ़ रही है, उसे आंकड़े बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन बीजेपी को टक्कर देती हर सीट पर नजर आई है। कांग्रेस चंद सीटों पर नजर आई है निश्चित तौर पर, लेकिन गठबंधन जिस तरह दावा कर रहे थे, उनको लगता था कि इस बार हम एक साथ आएंगे बुआ बबुआ तो उसका फायदा होगा, उत्तर प्रदेश से सीटें ज्यादा आएंगी। जिस तरह उस पोल में भी सभी ने आगे दिखाया था, वो लेकिन रुझान आते आते कहीं ना कहीं उनकी सीटें नीचे आई हैं, 20 तक अभी सहमत है। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के बल्ले बल्ले होती नजर आई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी भी हैं, उनसे खुद बात कर लेते हैं। मनीष जी, जिस तरह रुझान आ रहा है और एग्जिट पोल में आया था कि आपकी सीटें उत्तर प्रदेश से नीचे आ रही हैं, गठबंधन के बल्ले बल्ले हो रही थी, लेकिन इस बार जो काउंटिंग हो रही है उसमें बल्ले बल्ले उनकी नीचे आ गई गठबंधन, क्या कहना चाहिए? देखिए, रुझान हमारे विश्वास के अनुरूप आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 73 प्लस का लक्ष्य था और देश में 300 पार का, और रुझानों में हम उसको अचीव करते दिख रहे हैं। ये अचीवमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, जो 5 साल में उन्होंने जनता की बुनियादी सुविधाओं को समझा और वहां तक उन योजनाओं के माध्यम से पहुंचाया है, उस विश्वास की जीत है। और रुझान से अच्छे परिणाम आएंगे, और ये विश्वास इसलिए है कि जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने जातीय गोलबंदी और छद्म धर्म निरपेक्षतावादियों को सबक सिखाया है। जी, लेकिन अकील, अकील लड़ा है, अकील जातवाद पे चुनाव हुआ है या राष्ट्रवाद? जी जी जी, अकील एक सवाल हमारा, ये जो जीत है, रुझान आ रहे हैं, ये योगी जी की है कि मोदी जी की है? आप सवाल करिए उनसे।
बिल्कुल, ये सवाल एक अहम सवाल है। अमित त्रिपाठी जी का सवाल ये है कि ये जो जीत हो रही है या जो नतीजे सामने आ रहा है बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, ये मोदी जी की जीत मानी जाए या योगी जी की? देखिए निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो है और हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो देश के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के मेहनत का परिणाम है। लेकिन जिस तरह अगर देखा जाए गठबंधन ये कहती थी विकास पे चुनाव नहीं हो रहा, राष्ट्रवाद पे चुनाव हो रहा है, उन्होंने कहा था हमने विकास किया और जब बुआ बबुआ साथ आएंगे तो उसका फायदा होता नजर आएगा, इसे किस नजर से आप देखते हैं इस गठबंधन को? देखिए चुनाव का एजेंडा तो हमारा पहले दिन से विकास विकास और विकास ही था, लेकिन सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो और राष्ट्रीय सुरक्षा इशू क्यों नहीं हो सकता, फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं इशू होगी, आर्थिक नीतियां क्यों नहीं इशू होंगी और सबसे बड़ी पंचायत में नहीं होंगी, तो ये राष्ट्रीय इशू कब चलेंगे? तो विकास एजेंडा हमारा था, उसके आधार पर हम चुनाव में गए थे। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद, फॉरेन पॉलिसी, आर्थिक नीति सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमको लगता है कि देश की जनता को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। जी क्या लगता है आपको, जिस तरह गठबंधन की जो सीटें नीचे आई हैं उसको क्या आपको लगता है कि जो वोट ट्रांसफर होने थे, जो दलित वोट थे वो क्या सपा वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो पाए और जो यादव वोट थे वो बसपा के कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो पाए? देखिए ये स्वार्थ का गठबंधन था और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही थी। जिस तरीके से पिछले 25 सालों में सामान्य शिष्टाचार तक इन लोगों में नहीं था और अचानक विकास की नीति पे चलने वाले नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए लोग एक साथ आए थे, जनता ने उसको नकारा है और जनता भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, वो जाति धर्म से ऊपर उठकर थी। हमने अगर गरीबों को पक्की छत दी तो जाति और धर्म नहीं देखा, हमने बिजली का कनेक्शन दिया तो हमने जात धर्म नहीं देखा, हमने एलपीजी का कनेक्शन दिया तो जात धर्म नहीं देखा और जनता ने इसको अप्रिसिएट किया है कि किसान सम्मान निधि सभी किसानों को दिया, किसी जात धर्म को नहीं दिया, तो जनता ने इसको अप्रिसिएट किया और जनता उत्तर प्रदेश की जनता जाति गोलबंदी से बाहर आकर विकास की नीति पे चलने के लिए आगे बढ़ी है। निश्चित रूप से शुभ संकेत है प्रदेश और देश सबके लिए। रुकेगा कोई और सवाल आपका अकील? बिल्कुल एक सवाल हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है मध्य प्रदेश में सूपड़ा कांग्रेस का साफ हो रहा है, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ भी पीछे है और गुना में ज्योतिराज सिंधिया भी पीछे है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी तो जहां तक है कि प्रारंभिक रुझान है, परंतु ये बात निश्चित है कि देश की जनता का मंतव्य समझ में आ गया है कि देश की जनता को अब विकास पे, जो विकास के मुद्दे हैं उन पे चर्चा ना करके, जो बरगलाने वाले मुद्दे जो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने अपना हिडन बिल्कुल साफ एजेंडा चलाया था, उस एजेंडे को देश की जनता उसमें बहक गई है, तो ये आ रहे हैं अब देखते हैं शाम तक क्या परिणाम। लगातार बहक रही है, 2014 से बहक रही है। नहीं आप देखिए ना त्रिपाठी जी, आज देश 5 साल हो गए थे, 2014 में मुद्दे दूसरे थे, 10 साल यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार की कमियां गिनाई गई थी, परंतु आज 5 साल में किस मुद्दों पे 5 साल में आकलन हुआ क्या मोदी सरकार का? कितने रोजगार दिए, कितनी महंगाई कम की, कितना रुपए को मजबूत किया गया, ये सब चीजें इन पे चर्चा ना करते हुए एक बिल्कुल आवामंडल बनाया गया, एयर स्ट्राइक और दूसरी सब चीजें, एक देश की जनता के मन में ये भय पैदा किया गया कि अगर आपने नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट नहीं दिया तो आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हमारे देश की जनता भोली वाली है आदरणीय त्रिपाठी जी, तो वो इस बहकावे में आ गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, 55 साल भोली भाली नहीं थी जी, 55 साल आपका शासन था, भोली भाली नहीं थी तब? नहीं भोली भाली, हम हमेशा विकास के मुद्दे पे लड़े, हमने लोगों को बताया 55 साल में इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी मिसाइलें तक बनने लगी। आदरणीय त्रिपाठी जी आप ये देखिए, यहां लाल गेहूं खाया जाता था, हमने हरित क्रांति दी, यहां दूध में हमने श्वेत क्रांति दी, अपने आप को सक्षम किया। 55 साल में क्या नहीं हुआ, ये सब पूरा एजेंडा इनके भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं संसद में इस चीज को स्वीकार किया था कि 55 साल में निश्चित रूप से विकास हुआ है, अगर हम इसको मना करेंगे तो देश की जनता के साथ अन्याय होगा। परंतु अब जो ट्रेंड चल रहा है देखते हैं कितना परिणामों में परिवर्तित होगा। चलो श्रीवास जी आप उत्तर मत दीजिए, आपके यहाँ तो 3 सीट कांग्रेस आ रही है, मनीष जी भी बैठे हैं बीजेपी के, उनको ज्यादा खुश हो लेने दीजिए, अभी रुझान है। हालांकि मनीष जी पहली बार इतिहास में 1977 में भी जब जनता लहर आई थी तब यही छिंदवाड़ा था जहां से एक सीट
कांग्रेस जीत गई थी। इतनी बड़ी तादाद में पहली बार, ये इसको क्या कहेंगे, कमलनाथ जी की नाकामी कहेंगे या मोदी जी का राष्ट्रवाद का मुद्दा? हालांकि बात सही है जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा पीछे छूट गया, 15 लाख आपको मिलेंगे वो पीछे छूट गया, 2 करोड़ अब लोगों को रोजगार दिया जाएगा वो पीछे छूट गया, ये सारे मुद्दे पीछे छूट गए। मात्र 6 महीने पहले पुलवामा होता है, एयर स्ट्राइक होती है और राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर बीजेपी आ जाती है और इस देश की जनता पूरी तरह से मोदी जी को स्वीकार कर लेती है। मनीष जी, बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में जी जब से प्रतिपक्ष था कांग्रेस को छोड़कर के जी गैर कांग्रेसी दल के समर्थन में ये सबसे बड़ा जनादेश 2019 में आज देश की जनता ने दिया है। मध्य प्रदेश के लिए भी बड़े उत्साह की बात है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और खास करके मैं जब स्क्रीन पर आया हूँ तो उस समय 29 के 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। ये एकमात्र कारण, मतलब जब आप हटेंगे तो घट जाएगी? नहीं, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस बढ़त को कायम रखे। देश की जनता ने जो जनमत दिया है, माननीय मोदी जी जब हिंदुस्तान में 2014 का मत लेकर के संसद में प्रवेश किए थे तो उस समय उन्होंने पहला वाक्य दिया था अपने संबोधन में, जब संसद की सीढ़ी को उन्होंने नमन किया था और एक ही बात बोली थी कि ये उम्मीद का वोट है, ये उम्मीद का वोट है, उम्मीद से हमें खरा उतरना है। और आज 2019 में भदौरिया जी, आज 2019 में आप ये जो ट्रेंड देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, कितना उतरा रहा, दमदार नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व जिस पर जनता ने मोहर लगाई है, यही सबसे बड़ा स्पष्टीकरण। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा, थोड़ा अन्याय भी हो रहा है। तीन तीन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, हम मध्य प्रदेश से, कांग्रेस एक ही है, बिल्कुल वही स्थिति है। जिस तरह सीटें बढ़ रही है बीजेपी की, उसी तरह प्रवक्ता बढ़ रहे हैं कांग्रेस के, घट रहे हैं। एक बार फिर अखिल आपके पास चलते हैं, क्या ये जो ट्रेंड आ रहा है इसमें थोड़ा बहुत कहीं लगता है कि परिवर्तन भी हो सकता है कुछ सीटों पे? आपको पूरा नॉलेज है, और ये 2 सीटें जो कांग्रेस, क्या वही सोनिया जी और राहुल वाली है कि कहीं और भी सीट बढ़ रही है? और अखिलेश यादव की क्या स्थिति है, अखिलेश बनाम निरहुआ? देखिए, अगर अखिलेश की बात करें तो अखिलेश अभी आगे चल रहे हैं, निरहुआ कहीं ना कहीं बीजेपी उनको टक्कर देती नजर आई है। शाम होते होते थोड़ी तस्वीर और साफ होगी, क्या कुछ आगे वहां पर अपडेट हो रहा है। निश्चित तौर पर उसके अलावा हम अगर बात करें चाहे वो राहुल गांधी की हो, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी 15,000 से आगे चल रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी कड़ी टक्कर राहुल गांधी को देती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी करें तो सोनिया गांधी आगे चल रही है, और उसके अलावा अगर हम मेनका गांधी की बात करें तो सुल्तानपुर से बीजेपी यानी मेनका गांधी आगे चल रही है। उनकी सीट बदली गई थी, माँ बेटे की सीट बदली गई थी, वरुण गांधी पहले सुल्तानपुर से थे, उनकी सीट बीजेपी ने बदल दी थी, लेकिन दोनों सीटों पर बीजेपी को फिर भी फायदा होता नजर आ रहा है। उसके अलावा हम बात करें अगर उन्नाव की तो साक्षी महाराज को भी फायदा होता नजर आ रहा है, यानी बीजेपी वहां की भी बल्ले बल्ले है। निश्चित तौर पर उसके अलावा भी अगर हम बात कर ले पूर्वांचल की, अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में भी कई सीटों पर बीजेपी आगे जा रही है, पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी आगे जा रही है, लेकिन हाँ गठबंधन जरूर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टक्कर देती बीजेपी को सामने नजर आ रही है। लेकिन वोट ट्रांसफर को लेकर जिस तरह दावा पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी कर रही थी, वो कहीं ना कहीं इस बार ये जरूर जो रुझान आ रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं उसका उल्टा होता नजर आ रहा है। बीजेपी साइलेंट थी, बीजेपी को ये पता था। देखिए, पूरे चुनाव को नहीं बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था, नहीं कोई ऐड बहुत बड़ा दिया गया था कि बीजेपी बहुत बड़े ऐड पे ही काम कर रही है, कार्यकर्ता थे वो मजबूत थे वोट निकालने में, ये बहुत गलत कर रही निश्चित तौर पे। लेकिन निश्चित तौर ये देखने को जरूर मिला है कि बिल्कुल देखिए वो उनको पता था कि अगर ऐड हम देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसका मिसयूज, समाजवादी पार्टी और बसपा ये गठबंधन ने ऐड जारी नहीं किया, उनको ये लगता था कि बीजेपी करेगी तो हम उसे निशाना बनाएंगे। तो बीजेपी एक एक चीज को, काफी पहलू को बहुत सोच समझ के चल रही थी, कार्यकर्ता उनके जो थे वो वोट निकाले यानी वोटर थे उन्हें घर से बूथ स्तर पर पहुंचाने में कामयाब होते नजर आए। गठबंधन दावा करती थी कि हम दोनों साथ में आ गए हैं तो इसका फायदा होगा, लेकिन जिस तरह रुझान आ रहा है कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है और बीजेपी आगे। अखिल, बीजेपी ने, आपने कहा बीजेपी ने अच्छा खासा विज्ञापन जारी किया है, अगर मुझे विज्ञापन नहीं दिखे हैं, अपने ऐड नहीं दिखे हैं, योजनाएं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सपा बसपा गठबंधन के दिखे हैं, जिसका नतीजा कम से कम हम और आप तो कह ही सकते हैं,
निश्चित तौर पे। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि ये आपसे मैंने सवाल किया था, दो सीट कौन है? राहुल गांधी तो लगभग 15,000 से पीछे चल रहे हैं, सोनिया जी जरूर आगे चल रही हैं, और मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर 30,000 मतों से आगे चल रहे हैं। निश्चित ही धर्म का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ ले जा रहा, राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ साथ। हमें ये दूसरी सीट कौन सी है कांग्रेस की, और ये जो टक्कर आप बार बार बोल रहे हैं कि टक्कर 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 टट्टू साबित हो रहा है इस समय, बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है? देखिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जरूर कहीं ना कहीं पीछे करती नजर आ रही है, और सोनिया गांधी जो चुनाव लड़ रही है वो कहीं ना कहीं आगे होती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी यूपी में जाए कांग्रेस को लेकर, राजबब्बर की सीट को लेकर, तो राजबब्बर कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं निश्चित तौर पर। उसके अलावा अगर हम बात करें सलमान खुर्शीद की, तो वो कहीं आगे हो रहे हैं कहीं पीछे हो रहे हैं। तो कांग्रेस कुछ सीट ऐसी है जहां पर चुनाव लड़ रही है, बेहतर लड़ रही है, जहां क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनको समर्थन दे रखा था, भले वो औपचारिक रूप से समर्थन रहा, उन्होंने अपने कैंडिडेट वहां नहीं उतारे थे, लेकिन उन्होंने केवल जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था तो उसने केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट पर केवल बोला था कि हम इन दो सीटों पर उनसे गठबंधन किए हैं, बाकी सीटों पर नहीं। लेकिन कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा था, तो वहां पर उनका थोड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है निश्चित तौर पर। उसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी और गठबंधन की, गठबंधन की जिस तरह दावा हो रहा था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता हमारे साथ, उनसे खुद ही बात कर लेते हैं। जिस तरह आप दावा कर रहे थे कि हम सबसे ज्यादा सीटें लेके आ आएंगे, गठबंधन कहीं ना कहीं रुझान में सबसे ज्यादा आया था, फिर भी 20 सीटें पे अभी वो बना हुआ है। 5 सीटें थी पिछली बार जब मोदी लहर थी तो 5 सीटों में सिमटी थी, अभी भी 20 सीटों पे है वो। आपको पूरे देश में क्या दिखाई दे रहा है? पूरे देश में मोदी की लहर हर राज्य में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? गठबंधन एक बड़ी ताकत था, ये आप सबका एनालिसिस रिपोर्ट उसमें आ गया था, लेकिन वर्तमान समय में गठबंधन पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी 20 सीट पर आकर अभी आपके रुझान में टिका है। 2 बजे के बाद उनका परिणाम में जब परिलक्षित होना शुरू होगा वो अभी घटेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आगे जिन सीटों की आपने समीक्षा किया कि अभी 4-5 सीटों पर कहीं कांग्रेस लड़ रही है, देश की इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, लड़ने वाली स्थिति उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 5 सीटों पर लड़ने जैसी स्थिति है, तो क्या हालत है आप सामने दिख रहा है? ये तो प्रियंका वाड्रा ने साफ कर दिया था कि हम 22 की तैयारी कर रहे हैं। मामला ये होता है ना कि जब हार का भय होता है तो कहीं ना कहीं भागने की स्थिति होती, कुछ बचाने का होता है। बचाने में बीच में एक मामला यह भी आया था कि हम वोट कटवा है, राष्ट्रीय देश की इतनी बड़ी पार्टी वोट कटवा अपने आप को कहे, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों जो देश का भाग्य विधाता है वो राज्य में कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, यानी कि वो लड़ने की स्थिति में कहीं नहीं है। देश के तमाम राज्यों में, एक सवाल, सभी राज्यों में किसी से लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है और कांग्रेस अकेले नहीं। जी जी, अखिल एक सवाल, निश्चित तौर पर जो शंका जाहिर की जा रही थी, जो हम लोगों का अपना अनुमान था, आकलन था, उसके अनुसार कांग्रेस वहां जब मजबूत हुई है प्रियंका गांधी के आने से, निश्चित तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जागृत हुए हैं, आगे बढ़े। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोट काटे हैं, न कि बीजेपी के, जो आकलन आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं। एक सवाल करिए इनसे कि प्रियंका गांधी के आने से आपको नुकसान हुआ है सपा बसपा को? जिस तरह चुनाव मतदान हुआ प्रियंका के आने से, किस नजर से देखते हैं पहली चीज, और उसको किसका वोट काटा? देखिए वोट बैंक तो कांग्रेस का था नहीं, तो वो किसका काटा? बीजेपी यानी आपका काटा है या गठबंधन का वोट काटा है? तमाम राजनीतिक पंडित भी बहुत सारे अंक गणित को लगाए, लेकिन स्वाभाविक एक अंक गणित वो भूल गए कि विकास किसके घर तक दरवाजे तक पहुंचा, उनकी समीक्षा कहीं नहीं कर पाए पूरे देश की। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर 1,00,000 लाभार्थी विभिन्न योजनाओं से, मोदी की सीधी योजना से लाभान्वित नहीं हुए, उनका कैलकुलेशन नहीं कर पाए। वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में नहीं होती जो उनको 5,00,000 मतदाता वो बढ़ जाता सीधे सीधे, उनका कैलकुलेशन किए नहीं। वो सारे लाभार्थी वही दलित है, वही गरीब परिवार के लोग हैं जिनको उन विकास की आवश्यकता थी, मोदी ने उसकी पूरी करती पूरी की। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने उसका कभी हाल पुरसा हाल नहीं लिया था, इसका परिणाम यह है। प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश नहीं, देश में कुछ नहीं होने वाला है। आपने विकास की जंग 60 वर्षों से देश के कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था, 5 वर्षों में नरेंद्र भाई ने उस तमाम विकास के गड्ढों को पाटने के बाद देश को कहां से कहां तक पहुंचाया है। चाहे सेना की बात हो, चाहे देश के सम्मान की बात हो, चाहे स्वाभिमान की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, सारे मुद्दों पर नरेंद्र भाई मोदी ने कड़ाई से प्रहार करते हुए देश को सम्मान के बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। योगी का क्या रोल है इस बीच? मोदी का तो आपने कहा कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, योगी का क्या रहा? योगी का भी रोल है, अगर वो 2 वर्ष काम न करते तो उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का असर हम पर न होता।
जिन राज्यों में हम पराजित हुए, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में परिणाम देख लीजिए, हमारे पक्ष में सीधा सीधा रहा, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या स्थिति है? यहाँ दो वर्षों की सरकार के बाद यहाँ भी परिणाम लगभग आपको वैसे मिलेगा 74+ का, ये दो बजे के बाद आप देखिएगा वो भी बदलेगा। चलिए अखिल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का परिणाम देख लीजिए और एमपी का देख लीजिए। हाँ, अखिल निश्चित, सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस के दूसरी सीट पे आगे चल रहे हैं, 2800 से स्मृति ईरानी राहुल गांधी से आगे चल रही हैं, 9000 मतों से पीछे चल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय, नकुल नाथ भी पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हम एक बार फिर चलते हैं छत्तीसगढ़, श्रीवास जी ये 3 सीटें क्यों दे दी आपने, कहां की गई, और जो आपको सफलता मिल रही है ये मोदी जी की लहर की सफलता है या भूपेश बघेल जी की इन 5 महीनों में जो आप लोग नाकामी गिनाते हैं वो है? दोनों चीजें हैं साहब, देखिए ना भय हो तनिक सा, साहस हृदय का द्वार हो, सत्य की जीत हो असत्य की हार हो, ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में थी, सत्य परेशान अवश्य हो सकता है पराजित नहीं हो सकता, वही बात यहाँ पर साबित हुई है। मोदी जी का सत्य तो विधानसभा चुनाव में पराजित हो गया, 15 साल से हमारी सरकार सत्य है तो विधानसभा चुनाव में पराजित हो गया। 15 साल सत्य क्या मानते, 15 साल से हमारी सत्ता यहाँ पे थी, उस वक्त 15 विधायक मिले, हम इतना बड़ा जनादेश हमारे खिलाफ में गया, उसके बाद ना हमको सोचने का मौका मिला, ना हमको पूछने का मौका मिला, ना आंसू पूछने का। अरे सुन लीजिए साहब, मैं बता रहा हूँ ना, सत्य की परिभाषा जनता ने बता दिया, चौकीदार चोर ऐसे लोगों के गाल में तमाचा करे, सत्य की सबसे बड़ी परिभाषा है, ये सबसे बड़ी परिभाषा है, चौकीदार चोर है, ये बोलने वाले चोरों के मुंह पर जो तमाचा पड़ा है ये सत्य की सबसे बड़ी परिभाषा है, इसको समझ लीजिए आप, उस तमाचे की गूंज को भी समझ लीजिए, इससे बड़ा कोई सत्य की परिभाषा नहीं हो सकता। आज जनता ने बता दिया किस तरीके से झूठ बोलने वाले लोग, माफी मांगने वाले लोग, पुलिंदा लेकर देश को गुमराह करने वाले लोग, झूठ का तंत्र बढ़ाने वाले लोग, ऐसे लोगों की क्या दुर्गति होती है? इसलिए सत्य को चुनौती मत दीजिए आप, सत्य कहीं जाकर परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ, इस बात को परिभाषित समझिए और आगे आपका देश के सामने आज आपकी पार्टी को चिंतन करने का समय है, माफी मांगने का समय है। जिस तरीके का झूठ का पलटा लेकर आप लोगों को गुमराह किया, वोट के आड़ में लेकर जनता को गुमराह किया, जो ऐसे ये कहीं अभी परिणाम देखे इन डिस्कशन से, भाई शिवाज जी ये इस बात विवाद से देखे परिणाम नहीं बदलने वाले, आपको बता दूं शिवाज जी, ये विवाद जब तक वोटिंग नहीं हुई थी तब तक कहना था, अब वास्तविकता पे आइए, आपने कहा सत्य परेशान हो सकता है परास्त नहीं हो सकता है, विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों सत्य, अगर आप सत्य के साथ है तो क्यों सत्य परास्त हो गया, ये हम जानना चाह रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब ही दे रहा था पर उन्होंने इंटरप्ट कर दिया, और क्रिया होती तो प्रतिक्रिया देना हमारा फर्ज है जी, बिल्कुल, लेकिन कहना की 15 साल तक हमारी यहाँ पर सरकार थी जी, मैं बता रहा हूँ साहब, 15 साल तक हमारी सरकार थी, 15 साल तक छत्तीसगढ़ का सिरमौर बनाकर जनता ने हमको रखा, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर बहुत सारे स्थानीय फैक्टर थे जिसके आधार पर हमारी पराजय हुई। त्रिपाठी जी आप ये देखिए कि 15 साल में 15 सीट में, उसके बाद ना आंसू पोंछने का ना सोचने का किसी प्रकार का मौका हमको नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प के साथ में, विजय संकल्प के साथ में अपने घर से निकला, और आप देखिए नतीजे आपके सामने है, वहां 2 या 3 सीट में इनकी आगे भी बढ़त दिख रही, जो आने समय में कम हो जाएगी। भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार का कर्ज माफी का ढोल पीटा वो पूरी तरह फटा साबित हो गया था, प्रदेश में 15 साल में कभी किसानों को अपने जेल नहीं भेजा, यहाँ पे किसानों को जेल भेजने की शुरुआत हो गई, ये इनका रवैया है। यहाँ पे जनता ने जो न्याय की बातें करते थे, राहुल गांधी जी न्याय करेंगे, प्रदेश की जनता ने न्याय कर दिया साहब, इनकी स्वीकृति नहीं थी प्रदेश में, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये जनता की जीत है। चलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो परिणाम है, 3 सीटों में कहां कहां आप पीछे चल रहे हैं, आपके पास जानकारी होगी? जी जी, 3 सीटों में अभी जो रुझान मिले हैं, बस्तर और महासमुंद की सीट में हम पीछे चल रहे हैं, और उसमें भी हम आगे बढ़ जाएंगे, 3रा सीट का भी मेरे पास रुझान नहीं है, 2 सीटों का पता चला है, उसमें भी आंशिक तौर पर 1000-2000 से ज्यादा का वो नहीं है डिफरेंस, जो आने वाले समय में धीरे धीरे उसमें हम कवर अप कर लेंगे। तो जो पिछले बार के आंकड़े से संभवता वही आंकड़े, क्योंकि टीएस सिंहदेव जिनकी पार्टी के नंबर 2 के नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने कल बड़ा बयान दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, और कहा था कि 7 सीट से 1 सीट भी कम आती है तो उसे हारा हुआ मानेंगे, तो यहाँ तो 7 तो दूर की बात है साहब, 2 से 3 सीट के लाले पड़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी पूरी भूपेश बघेल जी की,
एक चार महीनों में जिस प्रकार गुंडा तत्व और अजक तत्व पे हावी हुआ, लगातार जिस प्रकार से रवैया रहा उनके शासन करने का, एसआईटी प्रशासनिक अराजकता, ये सारी चीजें इसका कड़ा जवाब छत्तीसगढ़ की जनता दे दिया है। 68 विधायक जीतने के बाद 15 साल में हमने कभी 68 विधायक नहीं जीता। 68 सीट जीतने के बाद अगर ये पार्टी अगर 5 सीट भी नहीं जीत पा रही है, मतलब समझ लीजिए भूपेश बघेल को प्रदेश की जनता नकार दिया है। चलिए भूपेश बघेल को नकारा या मोदी जी को स्वीकारा, भाई यहाँ तो प्रदेश का मुद्दा है तो रमन सिंह जी की बात करें या मोदी जी की आंधी है, तूफान है, उसके कारण ये सारा रिजल्ट आ रहा है। देखिए इस चुनाव को, छत्तीसगढ़ के चुनाव को राहुल गांधी से दूर रखा गया, छत्तीसगढ़ के चुनाव को मोदी बनाम भूपेश बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया। छोटा आदमी बनाम चौकीदार, ये मुहिम छेड़ने वाले हैं कि मुख्यमंत्री तो देखिए आज कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर भूपेश बघेल जी के सर में, उनकी पूरी प्रतिष्ठा वहां पे थी, पूरा ठीकरा भूपेश बघेल जी के माथे पे फोड़ा जाएगा और नैतिक जिम्मेदारी लेते भूपेश बघेल जी को सबसे पहले उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे चुनाव से बड़े नेताओं को दूर रखा, पूरे चुनाव की कमान खुद संभाली और उसी का नतीजा है जब आपने कमान संभाली है, दो दो पद पे है, मुख्यमंत्री भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, दोहरे पद में होने के बाद अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए, दिल्ली में अपने आकाओं को चलिए मैं मान लेता हूँ भूपेश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपके हिसाब से किसको मुख्यमंत्री बना दें, वापस रमन सिंह जी को? नहीं मेरे हिसाब से नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे बहुमत है तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी साहब, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं, कांग्रेस का तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब का जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं झलका है कि अमिताभ दिखाकर प्रेम चोपड़ा को बना दिया गया। एक बात, एक प्रसंग आया था छत्तीसगढ़ में प्रसंग आया था कि अमिताभ बच्चन का चेहरा दिखाकर हीरो प्रेम चोपड़ा को बना दिया गया, ये प्रसंग भी छत्तीसगढ़ में बहुत दिन तक चला है। अरे तुझे बोलिए छोकरा दिखा के डोकरा ब्याह दो सीधे कहिए आप, कोई बात नहीं है साहब, छोकरा दिखा के डोकरा वाला हाल तो राजस्थान में हुआ साहब, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान में छोकरा दिखाकर डोकरा से ब्याह किया गया, सुपड़ा साफ हो गया 29 यहाँ, राजस्थान में भी 25-25 बीजेपी जा रही है। मतों का अंतर भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इंदौर में 1,00,000 मतों से शंकर लाल लालवानी आगे हो गए हैं, पंकज संघवी जिसका माना जा रहा था कि इंदौर सीट कांग्रेस जीत सकती है, 80,000 मतों से जबलपुर से राकेश सिंह आगे हैं बेग तनखा से, ये निश्चित तौर पे ये प्रत्याशियों का अपना रुझान नहीं है, प्रत्याशियों के अपने जो प्रयास है उनका नहीं है, ये मोदी जी की सुनामी है पूरी तरह से। श्रीवास्तव जी बहुत संक्षेप में बहुत छोटी सी टिप्पणी, हम एक बार न्यूज रूम में चलते हैं, बाकी और चैनल क्या बता रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। जी देखिए त्रिपाठी जी एकदम पूरी तरह से सुनामी है, और एक बात और बताया अभी हम आपसे बोलते थे आप मान नहीं रहे थे। नहीं बिल्कुल हम मान रहे हैं, अब मान लिया, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा तो रिजल्ट। हम आपसे बोलते थे एक या दो सीट नहीं, तो हम भी ये कहते थे कि अगर सुनामी है तो सीटों फिर गिनती नहीं। अब देखिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें अगर जा रही हैं, नहीं ये इसमें परिवर्तन होगा, मात्र 9,000 से ज्योतिर्द पीछे हैं, ऐसे ही 1,500 से नकुलनाथ पीछे हैं, नहीं ये वहाँ स्मृति ईरानी मात्र 2,800 से राहुल गांधी से, पिछली बार भी आप 2014 में राहुल गांधी पहले पीछे चल रहे थे, बाद में वो आगे होते हैं, तो ये किस बेल्ट का रिजल्ट आ रहा है, कहाँ का ये तो खैर अभी तो बहुत सारा जैसे अब सपा बसपा गठबंधन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी घटती जा रही, 60 से 58 आ गई, सपा बसपा गठबंधन 20 पहुंच गई 17-18 से, अभी इसमें काफी परिवर्तन होना है। त्रिपाठी जी क्या है उत्तर प्रदेश में ये जो 20 भी ला रहे हैं तो थे कहाँ ये लोग? जी ये तो नहीं, जिस तरह से 3 उपचुनाव हुए, हाँ। गोरखपुर का, कैराना का और फूलपुर का, और तीनों में सपा बसपा गठबंधन उपचुनाव जीत जाती है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी सरकार, तो ऐसा लग रहा था कि ये जातीय समीकरण बहुत कुछ कर जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी जो ये राष्ट्रवाद जो जिस तरह से फोकस किया गया है, राष्ट्रवाद के साथ देखिए नेताओं का मिलन हो गया, मतदाताओं का मिलन नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है, और लोगों को लगा कि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। आप देखिए कहीं कहीं पर जाति समीकरण आप देखिए तो वहां से जीतने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन सवाल है कि लोग कहाँ जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से फोकस किया, और निश्चित रूप से व्यक्ति केंद्रित चुनाव था और उसमें सफल हुए, और एयर स्ट्राइक के बाद इसमें काफी जो है बढ़ोतरी हुई। चलिए तो एयर स्ट्राइक का रिजल्ट अब तो कम से कम उम्मीद करेंगे मनीष जी कि एयर स्ट्राइक का जिस तरह पूछ रहे सबूत मांग रहे अब तो दे दीजिए, अब तो चुनाव हो गए क्या है एयर स्ट्राइक का कितने लोगों को मार दिया, क्या क्या नुकसान कर दिया, ये सबूत दे देंगे मनीष जी? देखिए त्रिपाठी जी जनता ने इस बात का जनता ने सबूत दे दिया, आप तो दे दीजिए।
हम भी आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो तमाम भ्रम इस देश की जनता में फैलाने का प्रयास किया था, तो सबसे बड़ा सबूत तो जनता ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को दिया, और उन नेताओं को जो इसकी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। आप मध्य प्रदेश में देख लें, कर्नाटक में देख लें, यूपी का हाल आप देख ही रहे हैं, स्वयं राहुल गांधी खुद अभी पीछे चल रहे हैं, ये जनता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अभी माननीय श्रीवास्तव जी कह रहे थे सुनामी, सुनामी तो त्रिपाठी जी समुद्री तट से उठता था, परंतु ये तो बवंडर है जो चारों दिशाओं से में चल रहा है। ये मोदी जी का बवंडर है जिसने पूरे हिंदुस्तान की जनमानस में अटूट विश्वास जागृत करके, और ये अभिव्यक्त जो जनता के द्वारा ये बैलेट ये ईवीएम के माध्यम से हुआ है। चलिए इस बार सबसे बड़ी जीत, इस बार विपक्ष का पद दे देंगे अगर 10% नहीं आए तो? देखिए 54 सीटें नहीं आई तो दे देंगे? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के नाते जो कार्य होते हैं वो करे, तो कांग्रेस तो सक्षमता से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, तो इनको किसी भी पद से जनता ने किसी भी लायक नहीं छोड़ा। चलिए बवंडर आपका जो है वो बवंडर कहाँ तक जाता है, कहाँ और आगे जाता है, अभी शुरुआती रुझान है। देखिए अभी जगह जहाँ 1,80,000-50,000 की जीत हो आगे आपको लीड मिल गई है, वहां तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परिणाम बदलेगा, लेकिन बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ आप 29 में से 29 आगे हैं, उसमें कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 8,000 इस तरह से आगे हैं। तो लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है, अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए 338 सीट पर आगे चल रही है, जबकि यूपीए ने भी 100 के आंकड़े को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, वो छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और गुना में ज्योतिराज सिंधिया भी पीछे चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी को 58 सीटों पर आगे चल रही है, गठबंधन 20 पर आगे है, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही है। सोनिया गांधी और सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, यहां वो 16 सीटों पर आगे है, जो एग्जिट पोल बता रहे थे, टीएमसी 24 पर, तो कांग्रेस 2 पर आगे है। दिल्ली में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, वो 7 की 7 सीटों पर आगे है। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को पिछली बार की तरह 37, कांग्रेस 11 सीटों पर। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। बिहार में बीजेपी 38, कांग्रेस पर 2 पर ही आगे है। कर्नाटक में बीजेपी 28 में से 24 सीटों पर आगे है, जो अप्रत्याशित है अपने आप में। हरियाणा की 10 सीट पर बीजेपी आगे, सब कुछ अप्रत्याशित चल रहा है। हम अपने न्यूज रूम में चलते हैं, वहां और आगे क्या चल रहा है ये अपने आप में बहुत। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोभित हैं। शोभित, हमारे न्यूज रूम में क्या हालचाल चल रही है, वहां भी कुछ बीजेपी कुछ कांग्रेस समर्थक सब अलग अलग है, किसका चेहरा मायूस है किसका खुशी है, हालांकि पत्रकार कि कोई पार्टी नहीं होती है, सब अपने आप में, लेकिन आप बाकी लोगों से बात करके बताएं क्या स्थिति है, रुझान बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? देखिए सर, बिल्कुल जिस तरह से जो अब तक के रुझान सामने आए हैं 340 पर बीजेपी, ये रुझान थोड़ा सा रोकेंगे शोभित, ये कौन सा है, मतलब ये लगभग तीसरे चक्र की मतगणना हो गई है, दूसरे चक्र की हुई है कि 4-5 चक्र की मतगणना हो गई है, ये भी अगर आपको नॉलेज में हो तो बताएं। बिल्कुल, अब तक की बात की जाए तो जो अब तक के रुझान सामने आए हैं जिस पर एनडीए आपको 340 सीटों पर जो है आगे दिखा रहा है, ये अब तक की जो कई जो सीटें हैं वहां पर जो है चौथे से पांचवें राउंड तक की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, उसके बाद के रुझान है। हालांकि ये सिर्फ अभी महज रुझान है, और जो नतीजे आएंगे और जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो इसमें काफी फेरबदल होने की भी संभावना है, क्योंकि अभी सिर्फ महज 4 से 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हुई है। तो ऐसे में इस बात का आकलन करना कि अभी बीजेपी बंपर जीत हासिल कर लेगी या एनडीए सरकार बना लेगी, तो इन रुझानों के आधार पर ऐसा लग रहा है, लेकिन जब नतीजे आएंगे ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से रुझान आए हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी और जो एनडीए के घटक दल हैं उनके लिए चेहरे पे मुस्कान लाने वाली बात है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वो भी कहा जाता है होनहार बिरवान के हो चीखने पास, जो शुरुआत होती है ना, रुझान जो चलते हैं बहुत ही कम, एकाद बिरले उदाहरण होंगे जब इस तरह के जो रुझान आए हैं और अचानक पलट जाते हैं। तो ये जो रुझान, मुझे लगता है कि लगभग लगभग रिजल्ट यही आएगा। खैर,
आप और आपके पास कोई जानकारी हो तो बिल्कुल जैसे कि एग्जिट पोल थे उसके बाद से ये रुझान आ रहे हैं तो कुछ कुछ एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काफी आगे निकल गई है, 28 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो हैं वो साध्वी प्रज्ञा से 9000 के करीब वोटों से पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिंह कुशवाहा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानते हैं कि इस लीड को क्या दिग्विजय सिंह कम कर पाएंगे, क्या लगता है आपको कि साध्वी प्रज्ञा से आगे निकल सकेंगे या ये अंतर जो है और बढ़ता चला जाएगा? देखिए सुभित जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय सिंह ने ये अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ा है। कौन कौन? हालांकि राजगढ़ में भी एक बार चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, प्यारेलाल खंडेलवाल जी के, लेकिन अपना क्षेत्र छोड़कर चुनाव लड़े हैं। और कमलनाथ जी, तमाम केंद्रीय नेता कांग्रेस के, वो चाहते थे दिग्विजय सिंह ऐसी टफ सीट से लड़े, और कांग्रेस की रणनीति थी बड़ा नेता बड़ी सीट पर। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह ऐसे थे जिन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ा और भोपाल जैसी सीट को उन्होंने चुना। 1989 से भोपाल में भाजपा का गढ़ बना हुआ है, कांग्रेस ने आखिरी बार जीता, उसके बाद फिर कांग्रेस पलटकर नहीं जीती। पिछला चुनाव आलोक संजर एक सामान्य कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो चुनाव में खड़े हुए, एक इत्तेफाक था उनका खड़ा होना। और मोदी की लहर थी, नो डाउट, 2014 की बात है, और 4.25 लाख वोटों की लीड से आलोक संजर ने ये बीजेपी खाते में सीट को रखा। तो 4.25 लाख की लीड को कम करके अपनी लीड बनाना मुझे लगता है दिग्विजय सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि उन्होंने काफी मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि राजगढ़ जो उनका गृह क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहां के सारे कार्यकर्ता भोपाल में थे 7 मई तक, जिसका कारण राजगढ़ भी हार गया, भोपाल भी हार गया। और इससे क्या हुआ, राजगढ़ की सीट भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमजोर होती गई, मैंने राजगढ़ भी हार गए और भोपाल भी हार गए, साधु संतों ने भी उनके साथ आना। बिल्कुल। और सर जिस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर शंकर लालवानी ने जो बर्थ हासिल की है वो बहुत ज्यादा हो गई है, टाई की ये सीट है अभी मौजूदा समय में जो सांसद हैं, और इस सीट पर जो है बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। और अब जिस तरह से शंकर लालवानी ने जो 1 लाख से ज्यादा वोटों की बर्थ हासिल कर ली है उसको पाटना कांग्रेस के लिए शायद मुश्किल होगा, इस सीट को लेकर के भी बात करते हैं। देखिए सोभित जी, मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों में बीजेपी आगे चली उसमें 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी की 50,000 से लीड हो चुकी है। अब 50,000 की लीड को पाट पाना बड़ा मुश्किल है। इंदौर का जो जिक्र कर रहे हैं, 1,07,600 वोटों की लीड के साथ शंकर लाल मानी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस इस सीट को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस थी, उनको लग रहा था कि बीजेपी के अंदर बहुत सारी गुटबाजी है, और पंकज संघ भी उनके 3 बार से लगातार प्रत्याशी, हर बार हार रहा, उनके साथ सिंपैथी हो सकती है। काफी ताकत झोंकी गई, कई मंत्रियों ने डेरा डाला इंदौर में, उसके बावजूद भी 1,07,000 की लीड लेना, अभी मुझे लगता है कि अब ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई है और बीजेपी के 1,07,000 लीड मायने रखती है। बीजेपी के गढ़ रहा है इंदौर, और मुझे लगता है शंकर लालवानी चूंकि ताई के कोटे से थे, उनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं, विजयवर्गीय का भी उनका आखिरी में सपोर्ट आ गया, विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल से बखाते वीडियो एक जारी किया था और उनके लिए वोट अपील की थी, कार्यकर्ताओं से एक होने की अपील की थी। यहां मोदी फैक्टर चला है, आपको याद होगा मोदी जब इस तरफ आना हुआ था तो उनको देखने के लिए काफी लोग पहुंचे थे। तो इंदौर सीट पर अब इसको कवर करना, 1,07,000 की लीड को कवर करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। हमारे साथ सर प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान, इन्होंने कुछ बताए हैं। सोनित, हम आपको रोकेंगे, बड़ी ही जबरदस्त खबर है, 6 राज्यों में पूरी तरह से बीजेपी का क्लीन स्वीप है। राजस्थान में 25 के 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 29, उत्तराखंड में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, हरियाणा और हिमाचल की 4 में से 4, 5-6 राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप चल रहा है इस समय। सोबित देखिए सर, 5 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों को अगर मिला दे तो करीब 250 से 250 के तकरीबन सीटें होती हैं। कहा जाता है कि अगर आपने इन 5 राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, अगर आपने जीत हासिल कर ली, तो निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता पर आप ही काबिज होंगे। और जिस तरह से आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में हम प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान पूरा लगातार तमाम सीटों पर वो गए, उन्होंने कवरेज की,
और जिस तरह से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अब तक के रुझान आए हैं उसमें मोदी की आंधी पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा नजर आ रही है। यहां तक कि गुना जो सीट है, गुना सीट पर कांग्रेस का गढ़ रही है, उस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी का बढ़त बनाना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमेशा से इस बार जो मैंने जो जगह जगह लोकसभा सीटों पर जाके देखा तो मोदी का जो अंडर करंट था वो बेहद 2014 के मुकाबले ज्यादा था, और यही वजह है कि शुरुआती जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी आ गए है, और जो बड़ी सीटें हैं वहां पर ज्यादातर वो फोकस कांग्रेस के नेताओं का ज्यादा रहा, यही वजह है कि और जो छोटी लोकसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी एक तरफा आगे हो गई है, और कई बड़ी जो एग्जिट पोल में भी दिखाया कि सिंधिया पीछे थे, अभी पीछे चल रहे हैं सिंधिया, तो मतलब मामला टफ हो गया एक तरफा। इस बार भी मोदी लहर चली है, और जो मध्य प्रदेश में 15 सालों की जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार उखड़ गई थी, कांग्रेस सरकार बनी, और जो कर्ज माफी ने जो काम किया कहीं ना कहीं वो सब चीज, और या फिर हम कहें कि जो राहुल गांधी ने वादा किया था न्याय योजना, कांग्रेस भले ही दम भर रही थी लेकिन ये सब फैक्टर लोकसभा में नहीं चले हैं, सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर जो मोदी मैदान में उतरे थे उसी ने काम किया, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर से मोदी लहर दिख रही है, और अभी तक लगभग 1-2 सीटों को हम छोड़ दें तो बाकी सभी पर बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और लेकिन ऐसे उम्मीद कयास लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस सरकार आने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल फायदा मिलता नहीं दिख रहा है, और साफ तौर पर बीजेपी आगे चल रही, मतलब साफ है जनता ने जो विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे थे चाहे कर्ज माफी हो या अन्य मुद्दे हो वो सब नकार दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी का जो एक प्रकार से कहे कि जो जनता में अंडर कवर जो करंट था जो 2014 की तुलना में साफ तौर पर देखने नहीं मिल रहा था, लेकिन जनता ने साइलेंट शॉट मोदी के पक्ष में खेला है, और यही वजह है कि जो रिजल्ट के शुरुआती नतीजे वो मोदी के पक्ष में आ रहा है, बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। सर आपको एक और जानकारी दे दूं कि छिंदवाड़ा सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें